ना करें। चलिए, नतीजों का सीजन तो फुल स्विंग में है और इसी कड़ी में दिसंबर तिमाही में एमी ऑर्गेनिक्स का मुनाफा 36% बढ़ता हुआ दिखा है। कंपनी ने जो अपनी क्वार्टरली अर्निंग्स सामने रखी उसमें आय में तकरीबन इन्होंने 53% की ग्रोथ दर्ज की, हालांकि मार्जिन 24% से गिरकर 21% पर आ गई है। नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ अभिषेक पटेल साहब जुड़ चुके हैं। मिस्टर पटेल, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। मिस्टर पटेल, नंबर्स तो आपके अच्छे हैं, लेकिन मार्जिन ये तो मान के चला ही जा रहा था, मार्जिन्स में प्रेशर देखने को मिला है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि अभी जो लागत है, जो इनपुट कॉस्ट है, उसको लेके सिनेरियो कैसा है और इस पर आपकी आगे की आउटलुक। वेरी गुड मॉर्निंग। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके माध्यम से सारे हमारे शेयर होल्डर्स को भी बताना चाहूंगा कि हमारे मार्जिन जो हम आप नंबर के पीछे की स्टोरी आप देखोगे तो मार्जिन एक्चुअली हमारे दबाव में बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसे जानते हैं हम लोगों ने गुजरात ऑर्गेनिक्स का बिजनेस एक्वायर किया है जो हमारा 1 अप्रैल 2021 से हमारा इंटीग्रेशन शुरू हुआ है। तो अगर आप दोनों बिजनेस के पीछे की स्टोरी देखें तो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस में मार्जिन इंटैक्ट है, देयर इज अ मार्जिनल इंप्रूवमेंट ऑल्सो इन द मार्जिन। और गुजरात ऑर्गेनिक्स का जब हमने बिजनेस एक्वायर किया था तो उसके मार्जिन सिंगल डिजिट में थे एबिटा लेवल पे, विच हैज इम्प्रूव टू मोर देन 2 डबल डिजिट। तो कंसोलिडेटेड लेवल पे अगर आप देखोगे तो इट वॉज एक्सपेक्टेड कि कंसोलिडेटेड लेवल पे जो स्टैंड अलोन लेवल से उसे कम ही रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन दिस सिनारियो ऑफ इनपुट प्राइसिंग प्रेशर वी हैव बीन एबल टू मेंटेन आर मार्जिन फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेस, और हमारे जो एक्वायर्ड बिजनेस में है उसमें भी हमने मार्जिन इम्प्रूव किया है। और जो हमारे प्लान थे जो 3 महीने के अंदर हमने काफी अच्छा प्रोग्रेस किया और हमारे प्लान से हम लोग आगे चल रहे जो हमारे एक्वायर्ड बिजनेस में मार्जिन का हमें जो इम्प्रूवमेंट लाना है तो वो हम दोनों तरह से कर रहे हैं। ग्रॉस मार्जिन लेवल पे भी हमने किया है और ऑपरेशनल लेवल पे भी किया है। इनफैक्ट ग्रॉस मार्जिन तो हमारे 2.38% इम्प्रूव हुए है एज कम्पेयर टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो अभिषेक जी आप आगे का गाइडेंस देना चाहेंगे मार्जिन अगले क्वार्टर के लिए? अगले क्वार्टर के लिए अगेन मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस का मार्जिन जो है वो इंटेक्ट है विथ फ्यू अपसाइड अवेलेबल, और गुजरात ऑर्गेनिक बिजनेस का मार्जिन जो हम डबल डिजिट में पहुंच चुके हैं वो आगे जाके और इम्प्रूव होगा। ठीक है, ओके, पॉइंट टेकन। मिस्टर पटेल, अब जरा आप सेगमेंट वाइज हम बात करेंगे। आपके स्पेशलिटी केमिकल्स में भी हमने देखा है बहुत सारे सेगमेंट है। हम ये समझना चाहेंगे, आप दर्शकों को जरा बताइए कि किस सेगमेंट का बेहतर प्रदर्शन रहा है, फार्मा इंटरमीडिएट्स का या फिर स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर? फार्मा इंटरमीडिएट बिजनेस हमारा सस्टेनेबल का बिजनेस है जो इट इज ग्रोइंग एट मोर देन 25% CAGR। बट क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस बेस काफी लो था लास्ट ईयर तक, उसकी वजह से वो अभी और उसमें इंटीग्रेशन का भी इम्पैक्ट आया है। सो दैट बिजनेस हैज ग्रोन मोर देन 130% और स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस और फार्मा इंटरमीडिएट बिजनेस 25% के ऊपर ग्रो कर रहा है। ओके, साथ ही बजट को लेकर, क्योंकि हाल फिलहाल में जो बजट में जिस तरह के ऐलान हमने देखे, काफी ऐसे केमिकल्स थे जिनके केस में हमने ड्यूटी रिवीजन होते हुए देखा है, किसी प्रकार का बेनिफिट आपकी कंपनी को, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी और क्या वो पूरी होती हुई दिखी है? सी, ड्यूटी इन टर्म्स ऑफ कस्टम ड्यूटी वी आर नॉट अफेक्टेड एज कंसीडरिंग आवर प्रोडक्ट लाइन, तो वहां पे हमें कोई बेनिफिट नहीं है ना ही कोई डाउनसाइड है। केमिकल सेगमेंट के लिए स्पेशली जो मतलब बजट में हमें कोई एडिशनल बेनिफिट केमिकल सेगमेंट को दिए नहीं गए है। एक था कि वो MEIS स्कीम के बंद होने के बाद कोई एक्सपोर्ट के ऊपर कोई इंसेंटिव मिले, बट दैट हैज नॉट बीन गिवन, सो दैट इज फाइन। वी आर नॉट, वी हैव सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, वी आर नॉट रिलाइंग एनीवेयर ऑन द गवर्नमेंट एंड स्टिल वी आर डूइंग not us, even industry is doing quite good. Taken, point taken. Mr. Patel, एक आखिरी सवाल, expansion को लेकर और outlook अगले वित्त वर्ष के लिहाज से अगर आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें तो? Expansion के लिए जैसे हमने exchanges को भी intimate किया है कि हमारी जो acquired facility है अंकलेश्वर में जो हमने गुजरात ऑर्गेनिक से ली थी
वहां से हम लोग प्रोडक्शन ट्रांसफर किया है हमारी झगड़िया फैसिलिटी में, क्योंकि जिससे हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव हो चुके हो सके, एंड दैट इज बीन शोन इन आवर रिजल्ट्स आल्सो। एक्सपांशन इज अंडर प्लानिंग। अंकलेश्वर फैसिलिटी में हम लोग फार्मा इंटरमीडिएट ब्लॉक सेटअप करेंगे इसको रिफर्बिश करके, लेकिन उसका टोटल एक्सपांशन कॉस्ट अभी वर्किंग स्टेज में है। जैसे ही वो फाइनलाइज होगा वील इंटीमेट टू ऑल आर शेयर होल्डर ऑन दिस। ओके मिस्टर अभिषेक पटेल, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नतीजों के बाद उसके हाईलाइट्स एंड ऑफकोर्स कंपनी का जो आगे का आउटलुक है वो भी दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो ये था एमई ऑर्गेनिक्स का मैनेजमेंट बताते हुए कि कहां से प्रेशर देखने को मिला खासतौर से मार्जिन पर और आगे उनकी